आज मैं आपको 30 इंच चेस्ट के ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नानी जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 30 इंच चेस्ट का ब्लाउज लिया है, इसके हम पेपर कटिंग देखेंगे। ये देखिए, पिछला पार्ट लिया है मैंने यहाँ पर ब्लाउज का, इसकी हम लंबाई नापेंगे। लंबाई यहाँ पर है हमारी 12 इंच। देखते पेपर पर, पेपर पर डालेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा। 13 पर मैंने एक पॉइंट बना दिया। देखिए शोल्डर के लिए अभी हमें जरा समझना है, चेस्ट हमारे यहाँ पर 30 इंच की है तो हम शोल्डर डालेंगे यहाँ पर। पूरा 5 भी हमें नहीं डालना है, 5 को भी मैं 2 पॉइंट कम करूंगी। ये देखिए इस प्रकार से आर्म होल की गोलाई दूंगी यहाँ पर मैं 5 इंच पर। ये देखिए यहाँ पर मैं सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करूंगी, हमें ये अंदर की तरफ, आधे से भी कम हमें ये अंदर की तरफ मोड़नी है इस तरीके से। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, अब हमें ब्लाउज की तरफ देखना है। ब्लाउज को हम जहां से हुक लगाते हैं दाहिने साइड से, वहां से हमें मेजरमेंट लेना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा हमारे चेस्ट है 30 इंच के, इसका चौथा है इस आएगा 7.5 इंच। देखिए पेपर पर हम डालेंगे इसे 7.5 इंच पर। देखिए 7.5 पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया है, यहां मैं सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, इसे हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ब्लाउज की ओर, हमें कमर का नाप लेना है, कैसे लेंगे ये देखिए। कमर हमारी है यहाँ पर 6.5 इंच की, चौथा हिस्सा लगभग हमारी कमर है यहाँ पर 26 इंच की, इसका चौथा हिस्सा हमने ब्लाउज पर देखा 6.5 इंच, वही हम पेपर पर डाल लेंगे। ये देखिए 6.5 इंच पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच की मार्जिन दी थी, नीचे की तरफ हम 2 इंच की देंगे। देखिए इस तरीके से ये चारों पॉइंट हम मैच कर लेंगे। ये देखिए ये सब पॉइंट हमने मैच कर लिए हैं। ये देखिए आर्म होल की गोलाई की तरफ, आर्म होल की गोलाई देनी है हमें पीछे से 1.5 इंच की। 1.5 इंच पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, यहां से सीधा हम गोल शेप में आर्म होल की गोलाई दे लेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ 0.5 इंच हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से। अब देखते हैं हम गले की तरफ, इसके लिए हमें ब्लाउज देखना पड़ेगा। ये देखिए हम ब्लाउज की लंबाई कैसे नापेंगे गले की। ये देखिए सीधा गले से सीधे मैंने, ये देखिए लंबाई तक देखा, लंबाई हमारी है यहाँ पर गले की 8 इंच की। पेपर पर हम इसे डालेंगे, पेपर पर हम इसे 0.5 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे, 8 इंच है तो हम इसे 8.5 इंच डालेंगे। देखिए 8.5 पर मैंने एक पॉइंट बना दिया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा शोल्डर हमने 5 से भी 2 पॉइंट कम लिया है, तो गले की चौड़ाई भी हम पूरे 2 इंच नहीं लेंगे। ये देखिए गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2 से भी कम लेने वाली हूँ, पूरा 2 को भी 2 पॉइंट कम लूंगी। नीचे को भी हमें सेम मेजरमेंट डालना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बॉक्स बना लिया है, गले के लिए मैं राउंड शेप दे दूंगी इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे पीछे की पार्ट ड्रॉ हो गया है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए पीछे की पार्ट की हमारी कटिंग यहाँ पर पूरी हो गई है। ये देखिए यहाँ पर हमने पीछे का पार्ट लेकर चेस्ट ड्रॉ कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल की गोलाई दी 5 पॉइंट पर। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। आगे की गोलाई देंगे हम 1 इंच पर।
आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर मैंने आम होल की गोलाई दी। देखिए आगे की गलाई की लंबाई लेते हैं हम। आगे की गले की लंबाई यहाँ पर है 6 इंच के। ब्लाउज पर पर डालेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच पर। पीछे की तरफ हमने जैसे 2.2 को कम लिया था, आगे के लिए भी हम सेम मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। गले के लिए राउंड शेप बना लेंगे। अब देखिए हम आस्तीन की लंबाई किस तरीके से नापेंगे। शोल्डर से हमने सीधा टेप रखा है। ये देखिए आस्तीन की लंबाई यहाँ पर है 10.5 इंच की। पेपर पर हम डालेंगे इसे आधा इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैं इसे लूँगी 11 इंच पर। 11 पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। अब देखते हैं ब्लाउज पर कटोरी का माप कैसे लेंगे। हमें दाहिने बाजू से मेजरमेंट लेना है जहाँ हम हमारे हुक लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कटोरी हमारी है 5 इंच की। देखिए पेपर हम कटोरी का मेजरमेंट कैसे डालेंगे। ये देखिए इसे पॉइंट से मैंने 5 पर एक पॉइंट बना दिया। ये देखिए आम होल की गोलाई की तरफ 1 इंच हमने बाहर की तरफ लिया था, 1 इंच हम अंदर के लिए लेंगे। ये हमारी होगी आस्तीन की चौड़ाई। ये देखिए 2 इंच की लगभग चौड़ाई हो गई है। ये देखिए ये तीनों पॉइंट हम मैच कर लेंगे इस तरीके से। ये तीनों पॉइंट हमने मैच कर लिए हैं। ये देखिए इसे मैं सीधे ड्रॉ कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हमारी योग पट्टी और कटोरी अभी तैयार नहीं है। यहाँ पर जो हमारा तैयार पार्ट है वो सिर्फ हमारा है आस्तीन का। ये देखिए मैं आपको ब्लाउज पर दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया है आस्तीन वाला। कटोरी को अब हम पेपर पर बढ़ा कर देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, इसे जैसे है वैसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए कटोरी हमारी 5 इंच की है। इसका मैं अब सेंट्रल पॉइंट निकालूंगी। 2.5 इंच पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। नीचे मैं दूंगी यहाँ पर टक्स पॉइंट 2 इंच का। हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से इस बाजू भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। अब देखिए हमें आगे की तरफ आधे से भी कम इंच में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है राउंड शेप में इस तरीके से। अब देखिए हम ये सब मैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने मैच कर लिया है टक्स वाला पॉइंट। कटोरी को हमें गोलाई में शेप देना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी ड्रॉ हो गई है, इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी तैयार हो गई है। ये देखिए हम ब्लाउज पर देखते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट कटोरी का हमारा कट के अभी रेडी है। अब हम देखते हैं आस्तीन की ओर। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने योग पट्टी ली है। योग पट्टी को हमें दोनों तरफ से आधा आधा इंच नीचे की तरफ बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से ये मैं सीधे लाइन ड्रॉ कर लूंगी।
नीचे की तरफ हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखेंगे हम ब्लाउज की ओर। ये देखिए यहाँ पर अभी दिख रहा है किस तरीके से राउंड शेप है गोल, उसी तरह का शेप हमें योग पट्टी में देना है। ये देखिए इस तरीके से हम हल्का सा गोलाई में यहाँ पर शेप दे देंगे, इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी योग पट्टी तैयार हुई है। अब देखते हैं हम स्लीव की ओर। ये देखिए हम स्लीव के लिए लंबाई लेंगे। स्लीव की लंबाई हमारे लगभग यहाँ है 5 इंच की। पेपर पर हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा डालेंगे। यहाँ पर 5.5 पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। ये देखिए यहाँ पर हम घेरा डालेंगे स्लीव का। मोहरी है हमारी यहाँ पर 5.5 इंच के। डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पर मार्जिन के लिए। इसी पॉइंट से हमें अभी देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी पॉइंट से ऊपर हमें 2.5 इंच तक नीचे एक पॉइंट बना लेना है। ये देखिए जहां से हम हमारे स्लीव का घेरा डालेंगे, ये देखिए घेरा किस तरीके से नापेंगे। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में मैंने ये नापा है। यहाँ पर हमारा घेरा है 7 इंच का, जो है वही हमने डाला है। यहाँ पर मैंने 7 इंच का घेरे पर एक पॉइंट बना दिया। 1.5 इंच की मार्जिन डाली है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर की ओर यह 1 इंच पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। इसी पॉइंट के साथ हमें हम स्लीव का घेरा डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों पॉइंट हम मैच कर लेंगे। इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है, लेकिन अभी ये पूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें इसे आगे की तरफ आधे से भी कम में हमें इसे गोलाई में शेप बनाना है। ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पर एक पॉइंट बना लिया। हल्की सी गोलाई देनी है हमें आगे के लिए। ये देखिए इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो